अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद साद है। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैं आपको अपने से यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में फ़र्क। इस पे हम डिटेल से बात करते हैं आज। लोड बेयरिंग इस बिल्डिंग को कहा जाता है जिसमें सादा तौर पे दीवारें खड़ी करके इन पे छत डाल दी जाती है, और इस किस्म की बिल्डिंग में कॉलम्स और बीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग इस बिल्डिंग को कहा जाता है जिसमें पहले खुदाइयाँ करके कॉलम पिलर खड़े किए जाते हैं, बाद आजा इन पे प्लेंथ बीम, अगर राफ्ट फाउंडेशन हो तो प्लेंथ बीम नहीं डाला जाता, बनाकर ऊपर ले जाते हैं और छत के साथ फिर बीम देकर ऊपर छत डाल दी जाती है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में फ़र्क। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ में दोनों में डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की आगे, कि फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग वो महंगी होती है मगर ये ज़्यादा मजबूत और पायदार होती है। और इन घरों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब चाहें पूरे घर का लेआउट ही तब्दील कर दें और आपके बिल्डिंग के वज़न की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग ये है कि आप जब चाहे नीचे से दीवारें निकाल के रूम्स को छोटा बड़ा कर लें, अपनी जो चीज़ें हैं उनको लेआउट, जो उसकी सेटिंग अरेंजमेंट है कमरों की, उनको आगे पीछे कर दें। कॉलम जो है वो अपनी जगह पे रहेंगे, बाकी दीवारों को आप तोड़ के रूम्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उनका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी एक दूसरा टॉपिक है बिल्डिंग का सरिया। घरों की तबीयत में जिस मटेरियल के मामूली हेर फेर भी आपको खासा माली नुकसान देती है वो है सरिया या रीबार्स। सरिये की हर लेंथ बार के ऊपर एक कोने पे इसकी तफसील लिखी होती है। इसे गौर से पढ़ें क्योंकि 60 ग्रेड का सरिया 40 ग्रेड के सरिये से महंगा होता है। अक्सर 60 ग्रेड के सरिये में 40 ग्रेड मिक्स करके आपको भिजवा दिया जाता है और आपको नुकसान होता है। इस तरह कम तोल कर भी सरिये की ख़रीदारी में फ्रॉड किया जाता है। बेहतर है कि आप प्राइवेट कांटे से वज़न वेरीफाई कर लें और फैक्ट्री के साथ मायदा करके चलें कि कांटे का वज़न माना जाएगा। इस तरह बेतहाशा जंग लूद सरिया या जिस सरिये के सिरों पे छोटी छोटी शाखें सी निकली हों वो मत खरीदें। बेहतर होगा कि बेहतरीन और म्यारी कंपनियों का सरिया, जिनके साथ कंपनी का मिल टेस्ट सर्टिफिकेट और वज़न का प्रूफ टेस्ट होता है, यही खरीदें। मुशाहदे की बात है कि 5 मरला के घर में सरिये की लोकल और सर्टिफिकेट कंपनी की कीमतों में फ़कत चंद हज़ार रुपये का फ़र्क होता है और घर अब सारी उम्र के लिए बना रहे होते हैं। जी ये बिल्कुल आप इसको जब सरिया, एक तो ये महंगा आइटम है घर की तमीर में, सबसे महंगा आइटम जो है वो सरिया ही होता है। इस पर आपने नुकसान से कैसे बचना है और आपने कौन सा सरिया ख़रीदना है, बेहतर है कि अच्छे किसी अच्छी कंपनी अच्छी मिल से आप सरिया ख़रीदें। लोकल सरिया आप लेने से गुरेज करें। बड़े पैमाने पर लेना है तो फैक्ट्री से लें और उसके साथ उसका टेस्ट भी होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है। 60 ग्रेड का मतलब है कि वो सरिया जिसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो 60,000 PSI मतलब पाउंड स्क्वायर इंच होती है। तो 40 ग्रेड है वो 40,000 PSI होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है। इन दोनों में ये फ़र्क है। तो ये जो तहरीर है ये सफदर एंड सन्स की है, उनके मैंने फेसबुक पेज से ली है। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ उनकी परमिशन से। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।